जय श्री कृष्ण नाना पापा, क्या आप मुझे आजादी के महत्व के बारे में कुछ बता सकते हैं? मंथन 15 अगस्त 1947 को ये देश कई तकलीफों के बाद आजाद हुआ। इसके लिए कई संघर्ष करने पड़े, कई बलिदान देने पड़े, तो इस आजादी को हमें वापस खोना नहीं है। अब व्यक्तिगत बात करें तो हर व्यक्ति आजादी चाहता है, हर प्राणी, हर पशु, हर पक्षी आजाद रहना चाहता है। व्यक्ति आजाद होगा तब भी अपने अपने परिवार का, अपने देश के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने घर के बारे में सोच पाएगा। इसी तरह देश आजाद होगा तो देश की रक्षा कर पाएगा, देश के संसाधनों का उपयोग कर पाएगा, देश की आर्थिक स्थिति मजबूत करेगा, देश की सेनाओं को मजबूत करेगा, देश के बॉर्डरों को बहुत ज्यादा ताकत प्रदान करेगा, और तब भी देश सुदृढ़, सशक्त और ताकतवर बनता है। और हम चाहते हैं कि हमारा देश एक बहुत ही ताकतवर देश बने, जिसने लंबी गुलामी के बाद में ये आजादी पाई है। अब इन दिनों में हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75वीं वर्षगांठ आजादी की, जो 12 मार्च 2021 से चालू हुआ है। देश में कई जगह होर्डिंग्स लग रहे हैं, देश की सरकार इसे बड़े उल्लास के साथ मना रही है। हमें भी इसमें शामिल होना चाहिए, इन खुशियों को हमें भी अनुभव करना चाहिए, हमें भी ये खुशियां लेनी चाहिए। जय हिंद। जय हिंद नाना पापा, थैंक यू।